रात को इस जेल को बालों में लगाया, बाल सुबह 3 से 5 इंच तक लंबे हुए। नमस्कार, 15 दिनों में बालों को दोगुना बनाए गए उपाय। दोस्तों, अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद बाल टूट रहे हैं, बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं, तो ये उपाय आपके बालों की ग्रोथ को दोगुना करेगा और बालों को लंबा, मोटा और घना बनाएगा। आपको बस इस जेल को रात को सोने से पहले इसे लगाना है और बालों में 1 घंटा लगाने से आपके बालों की ऐसी ग्रोथ बढ़ाएगा कि आपके बाल लंबे होंगे, बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, बाल दिखने में मोटे, घने और काले दिखाई देंगे। इस हेयर ग्रोथ जेल को आपको कैसे तैयार करना है और सही इस्तेमाल इसका कैसे करना है, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से कभी भी पूरे फायदे नहीं मिलते। तो चलिए आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अलसी का। अलसी यानी कि फ्लैक्सीड। अलसी दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारे बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाने का। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। अलसी दोस्तों हमारे हेयर फोलिकल्स को मजबूत कर उसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। जैसे जहां पर हमारे बाल नहीं अच्छे से आते या हमारे बाल पतले हैं, वहां से बालों की लंबाई बढ़नी शुरू होती है और बाल मोटे और घने आते हैं। अगर दोस्तों आपके बाल बहुत पतले हैं, बाल झड़ रहे हैं, सर पर गंजापन दिखाई देता है, बाल घने और लंबाई नहीं बढ़ रही, तो अलसी दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप यहाँ पर अलसी लीजिए और इसका इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर एक पैन लीजिए। पैन में आपको सबसे पहले पानी डालना है। इस जेल के लिए आपको यहाँ पर पानी मिलाना है और पानी जो है हम यहाँ पर पैन में 1.5 कप के बराबर डालेंगे। आप लगभग 1.5 कप पानी इसमें मिलाइए और फिर आपको इसमें अलसी मिला देनी है। अलसी को आपको कैसे ऐड करना है, आप यहाँ पर चम्मच लीजिए और चम्मच से लगभग 2 चम्मच अलसी को इसमें ऐड कर दीजिए। अलसी डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लें और फिर हम इस पानी को धीमी आंच पर गर्म करेंगे। आप इसे धीमी आंच पर गर्म होने दें और चम्मच लेकर उसकी मदद से इसे हिलाते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी गर्म होना लगेगा और पानी में झाग आने लगेगी, और जब ये पानी उबलकर आधा रह जाए तब आप देखेंगे कि पानी पहले से काफी गाढ़ा हो जाएगा। ये जेल हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे किसी कॉटन की मदद से इसमें डालकर इसे छान लेंगे। आप कोई भी कॉटन का या सूती कपड़ा लीजिए या फिर रुमाल में इसे डालकर ऊपर से पकड़कर इसे हम अच्छे से निचोड़ेंगे ताकि इसका जेल जो है इस तरह से निकल जाए। आप इस जेल को एक कटोरी में डाल लीजिए और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे ये वैसलीन को। त्वचा के साथ साथ वैसलीन दोस्तों हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। लड़कियां खासतौर इसका इस्तेमाल अपनी आईलैशेस को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए करती हैं। अगर आपके हेयर रफ हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आप लगभग इतनी सी वैसलीन को लीजिए और इस वैसलीन को हम यहाँ पर इस जेल में मिला देंगे। आपका दोस्तों ये जेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसमें हम यहाँ पर चम्मच से इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हिलाएंगे, जिससे वैसलीन इस गर्म जेल में पूरी तरह से मिल जाएगी और ये जेल जो है हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। ठंडा होने के बाद ये जेल काफी हार्ड हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों को सेट करने के लिए भी कर सकते हैं। आपके बालों की लंबाई के लिए आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए देखते हैं। इस जेल का इस्तेमाल करने के लिए आप दोस्तों सबसे पहले इस जेल को धीमी आंच पर गर्म कर लें और इसे लगाने के बाद बाकी बचे हुए जेल को हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल लेंगे, जिसका प्रयोग हम अगली बारी कर लेंगे। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप दोस्तों किसी कॉटन की मदद से या इस तरह से चम्मच की मदद से इस जेल को अपने बालों पर लगाइए। आप इस जेल की मसाज अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से कीजिए और हल्के हाथों से मसाज करते हुए बचे हुए जेल को आप अपने बालों के ऊपर लगा लें, जिससे आपके बाल मोटे, लंबे, घने तो होंगे ही, साथ ही साथ बालों के ऊपर लगाने से बालों में शाइन आएगी और बाल पहले से काफी सॉफ्ट दिखेंगे। आप इस उपाय का इस्तेमाल रात को सोने से पहले कीजिए और सोने से 1 घंटे पहले आप इसे अपने बालों पर अच्छे से लगा लें, और जब आप सोने लगेंगे उससे पहले आप अपने बालों को शैम्पू करके साफ कर लें, और सुबह जब आप अपने बालों को देखेंगे तो आपके बाल पहले से ज्यादा काफी लाइट, सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे। वीक में आप इसे 3 दिन लगाइए और 15 दिन तक लगाने से ही आप देखेंगे बालों की हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी। बालों की लंबाई पहले से तेजी से बढ़ने लगेगी और जहां पर पतले बाल थे वहां पर बाल घने होना शुरू होंगे और बाल पहले ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।